तो ये वीडियो उन तमाम मरीजों के लिए है जो शुगर के मरज़ में मुबतला है। तो जितने भी शुगर के मरीज़ हैं उनको मेरी एडवाइस ये है कि वो हर 3 महीने के बाद अपना HbA1c कर लिया करें। इस टेस्ट का नाम अपने जहन में महफूज रखें, HbA1c। इसकी प्राइस डिफरेंट लेबॉरेटरीज़ में डिफरेंट है, तकरीबन कुछ 1,000 से लेकर 1,500 के बीच में यह टेस्ट होती है। इस टेस्ट का फ़ायदा ये है कि ये आपके 3 महीनों के शुगर का रिकॉर्ड जो है ना वो आपको बताती है। सपोज़ अगर पिछले 3 महीनों में आपका शुगर जो है ना वो अनकंट्रोल है, तो फिर आपका HbA1c जो है वो ठीक नहीं आएगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप जो दवाई ले रहे हैं, सपोज़ अगर आप गोली ले रहे हैं या इंसुलिन ले रहे हैं, उसकी अमाउंट जो है वो एडिक्वेट नहीं है। दूसरी जो पॉसिबिलिटी है वो ये हो सकती है कि पिछले 3 महीनों में आपने अपने शुगर का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा, आपने अपने खाने पीने का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा। तो 3 महीने के बाद अपना HbA1c करें, अगर HbA1c ठीक नहीं आ रहा तो या तो आप गोली काफ़ी मकदार में जो है ना वो नहीं ले रहे, या आपकी जो इंसुलिन की मकदार है वो इनएडिक्वेट है। तो ऐसे सिचुएशन में आपका जो प्राइमरी कंसल्टेंट है उससे ज़रूर कंसल्ट कर लिया करें।